हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो जो हमारा IBPS PO का जो नोटिफिकेशन आया है, जो 6000 प्लस नोटिफिकेशन है, जिसमें भी बहुत सारे बैंक में नॉट रिपोर्टेड है NR करके आप लोग देख रहे होंगे। तो यदि वो सब रिपोर्ट कर दे, बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़ भी दे, तो भी हमारा 8500 के आसपास नोटिफिकेशन आने के चांसेस है। 8000 प्लस यदि बैंक ऑफ बड़ौदा भी ऐड कर देता है उसमें, जो उसका लास्ट 3 ईयर का जो बैकलॉग वगैरह है वो सब ऐड करके, तो आप ये श्योर रहिए उसकी जो जो वैकेंसी है वो 10,000 के अप्रॉक्स चली जाएगी वैकेंसी। ठीक है, तो आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी मिली है, तो इसको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। अब ये डाउट था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इसको प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखिए कि आपको एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को तैयारी करने के बजाय यदि आप सभी एग्ज़ाम पर फोकस करो, जैसे कि मान लो RRB क्लर्क है, अभी हमारा RRB PO है, IAPS का क्लर्क है और IAPS PO है, ठीक है, सबकी जो एक कॉमन चीज़ है वो सेम ही है। ठीक है, पीओ में थोड़ा लेवल ज़्यादा होता है, क्लर्क में थोड़ा सा कम होता है, तो आपको सभी सेम तरीके से तैयारी करनी है। एक एक करके सभी की स्ट्रेटजी की मैं बात करने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ, सबको पता है कि मॉक टेस्ट देना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मॉक टेस्ट का जो रोल होता है हमारे प्रिपरेशन में बहुत जरूरी है। तो जो लोग भी स्मार्ट गिरा का मॉक टेस्ट परचेस करना चाहते हैं, उस पर 10% का डिस्काउंट चल रहा है, तो सोनल टेन को यूज़ कर लीजिएगा, आपको वहाँ से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं और मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। उसका जो मॉक का लेवल होता है बहुत सही होता है, IBPS PO लेवल कहीं होता है, तो आप उसको जरूर लगाइए। ठीक है, बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे करना है। अभी सबसे पहले जिनका RRB क्लर्क का पेपर है, उनको पहले RRB क्लर्क के पेपर पे पूरा फोकस करना चाहिए। उनको पूरा वो अभी क्वांट रीजनिंग की प्रिपरेशन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा वो कर सके उन्हें करना चाहिए। उसके बाद आपका RRB PO का भी पेपर हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी भी तैयारी आप अच्छे से करिए। बाकी जो IPS क्लर्क के लिए है, वो लोग का मैं हमेशा टू डू लिस्ट जो दे रहा था अभी तक, उसमें मैंने हमेशा बताया है कि आपको जो है इंग्लिश की प्रिपरेशन करती रहनी। बहुत सारे लोग क्या किए, इंग्लिश छोड़ दिए, जिनको सिर्फ RRB ही देना है वो तो इंग्लिश छोड़ दे, तो एक चलो मानने वाली बात है कि चलो ठीक है आपने इंग्लिश छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि आपने IPS क्लर्क देना है, IPS PO देना है, जो कि इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, आप देखोगे एक एग्ज़ाम ख़त्म होगा, आपको 15-20 दिन का समय जाते टाइम नहीं लगता है, तो आपको फटाफट से टाइम चला जाता है। मैंने भी पिछले ईयर क्लियर किया था IPS PO का पेपर, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के बाद में तक भी गया था, ठीक है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने किस तरीके से पढ़ा था। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि उसके लिए आपको जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो तो सेम ही है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश 35 35 30। तो आपको उसमें क्या करना है, सबसे पहले जो इसकी कट ऑफ देखो तो उतनी नहीं रहती है, ठीक ठाक रहती है, आप इतना एवरेज स्कोर करके भी आप कर सकते हो। 70 75 का टारगेट आप रखो IPS PO में, आप आराम से क्लियर कर लोगे। यदि आप मॉक में 70 to 75 का टारगेट रखते हो तो आप आराम से कर लो। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे 80 90 95 लाना, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। 95 क्लर्क के पेपर में होता है, PO के पेपर में आप देखोगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ तो उठा के देख लो ना, प्रीवियस ईयर कट ऑफ उठा के देख लो, उसमें आपको पता लग जाएगा आइडिया कि कैसे क्या था। ठीक है, तो आपको ये करना है, उतना बड़ा टारगेट नहीं रखना है, छोटा टारगेट रखना है। आप 70 75 स्कोर करने की कोशिश करो मॉक में, आपका आराम से प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। बात कर ले प्रीलिम्स का, आपका सबसे पहले है कि बेसिक क्लियर करके प्रैक्टिस। प्रीलिम्स का सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि आप बेसिक क्लियर करके जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सही होगा आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो प्रीलिम्स का तो ये हो गया। मेंस में क्या करना है आपको, मेंस में आपको डीप नॉलेज चाहिए होता है थोड़ा सा, तो अर्थमेटिक आप अच्छे से क्लियर करो। जैसे क्वांट की बात करो तो अर्थमेटिक को आप अच्छे से कवर करो। अर्थमेटिक अच्छे से कवर करने का मतलब ये हुआ कि सभी टॉपिक अर्थमेटिक आप अच्छे से क्लियर करो, जो है जैसे परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, जो भी जो जो टॉपिक मैंने मेन मेन बताया हुआ है आपको, उन सबको अच्छे से क्लियर करिए और उसके बाद जो उसकी प्रैक्टिस करिए, अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करिए, फिर मेंस लेवल के DI की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मेन जो यहाँ पे गेम होता है अर्थमेटिक और DI का होता है प्रीलिम्स में। और बाकी लॉजिकल रीजनिंग की बात करें जो हमारा पेपर है, तो उसमें सबसे पहले आपको बता दूँ रीजनिंग में सबसे पहले तो आप मेंस लेवल के पजल, जो हाई लेवल पजल होते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, रेगुलर कोशिश करिए उसको सॉल्व करने की, और सॉल्व करिए डेली। और दूसरी स्ट्रेटजी आपको मैं एक बता दूँ कि रीजनिंग के मिसलेनियस लेवल के जो मेंस लेवल के जो होते हैं इनपुट आउटपुट या जो जो भी होते हैं टॉपिक, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, अच्छे से उसको सॉल्व करिए, रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करिए। इंग्लिश में आप लॉन्ग लॉन्ग जो होते हैं उसके RC वगैरह के पैराग्राफ वाले क्वेश्चन जो मेंस लेवल के होते हैं उसको सॉल्व करिए। अभी से ही प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको एक लेवल हो जाएगा। अभी जिनका RRB क्लर्क जो 7 तारीख को हो, वो अभी इसको फॉलो मत करिए, अभी आप फिलहाल क्वांट रीजनिंग पे ज़्यादा टाइम दीजिए। ठीक है, अभी आप RRB क्लर्क के पेपर को अच्छे से दे लीजिए प्रीलिम्स को, उसके बाद आपको इंग्लिश हिंदी जो भी आपको लेना होगा RRB के लिए, बाकी जो लोग और एग्जाम देंगे तो फिक्स है कि वो इंग्लिश ही लेंगे RRB में भी, मेंस में भी। ठीक है, तो आपको इंग्लिश पे अच्छे से काम करना है। और जो बाकी करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में हमेशा बोलता हूँ जो लोग पढ़ रहे हैं डेली वो तो ठीक है, रिवीजन करते रहे, वीकली रिवीजन करते रहे, डेली वीडियो देखिए। जो लोग अभी तक नहीं पढ़े थे उनको मैं कहूँगा कि यदि प्रीलिम्स एग्जाम के बाद करते हो तो आपको क्या करना है, हर बार वो आपको मेंस का जो अब एग्ज़ाम डेट होगा उससे लास्ट जो 6 मंथ होगा
उसका करंट अफेयर्स एक दिन में, एक वीक या दो वीक का आपको कवर करना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगा, 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा जा सकता है आपको करंट अफेयर्स में, बट आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने पहले से नहीं किया। जिन लोगों ने पहले से कर रखा है ना, उनका स्कोर भी अच्छा आता है और वो एक बार रिवाइज करते हैं उनको सारा याद आ जाता है कि हाँ वहाँ से मैंने ये पढ़ा था, यहाँ से मैंने वो पढ़ा था। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और बाकी जो है तैयारी करते रहिए अच्छे से। और बस यार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार आपको, मतलब समझो ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको हाथ लग गई है, तो इसको स्वाभाविक बात है कि आपको क्लियर करना है इसको। और इस बार आपको ऑफिसर बनना है बैंक में या जो भी क्लरिकल पोस्ट पे भी जाओ, बट आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। आपका मेन फोकस ये होना चाहिए किसी भी तरह से किसी भी एग्जाम में इस बार सिलेक्शन ले लो, वरना फिर आपको पता है कि आगे से सीईटी आने वाला है, तो बहुत सारी बातें हैं। तो ये साल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस साल को अच्छे से बनाइए, अभी अच्छे से पढ़ाई करिए। और बाकी जो भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं हमसे, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर देता हूँ। और बाकी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम के वहाँ से ज्वाइन कर लिए। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ से हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और बाकी और कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। और प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको सभी अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है, स्ट्रेटजी वगैरह सब कुछ शेयर करता हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी नए एपिसोड, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, आप सभी को पढ़ाई करते हैं। ठीक है, बाय।